हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिशान बाबर और ठेकमाली है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर नंदूरकर विद्यालय है। मैं यवतमाल में रहता हूँ। मेरे कथा का नाम सेठ का चित्र है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत कंजूस था। उसकी एक डमरी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद ही लोगों को पैसे न देता था। एक बार उसने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों का पैसों का तकादा कर लिया। दूर सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ही ठीक से नहीं बना तो किस बात के पैसे दूंगी तुम्हें। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट के आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय की फरियाद कीजिए। चित्रकार उदास हो गया। वह मुंह लटका कर बैठ गया और बोला, सेठ बड़ा आदमी, सभी लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। ऐसा कहना सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, भले ही वो पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप आ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गए और पूरा किस्सा सुना चला। बादशाह अकबर ने सेठ को चित्र लेकर बुलाया और चित्र को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे चित्र में क्या कमी है। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र मेरे चेहरे जैसा हुबहू नहीं है। सेठ ने कहा। बादशाह अकबर मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बहुत देर तक विचार करते रहे। उन्हें कुछ समझ न आने पर उन्होंने बीरबल को न्याय करने को कहा। बीरबल ने ध्यान से सारी बात सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ अपना चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार के चित्र के पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। सेठ को ठिकाने तो लाना ही पड़ेगा। कला और कलाकारों का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वो देश विश्व विख्यात में होता है। इसलिए बीरबल ने कहा, सचमुच तुम्हारे इन चित्र में तो बहुत कमी है। 3 दिन बाद तुम सेठ का हूबहू चित्र बना के ले आना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी चित्र के पैसे दे देना। 3 दिन बाद सेठ घर चला गया। 3 दिन बाद तुम बीरबल ने कहा 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो गया और सेठ के सामने रखकर कहा, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही आपका असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, क्या ये आपका असली रूप नहीं है, है या नहीं। सेठ बोला, हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हो गया और चित्रकार को पैसे मिल गए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के इस न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर के प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपने चतुराई से फटाफट कर देते थे और इस बार भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कला और कलाकारों का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू।